तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं आ गया हूँ श्री शिव रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जो कि किशनपुर में है। अभी धर्मेंद्र भैया के गाने की रिकॉर्डिंग हो रहा है तो अभी आप जरा जाके आप। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं कामेश्वर चौपाल और आज मैं जा रहा हूं श्री शिव रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो कि किशनपुर में है। अगर आप चाहते हैं अपना खुद का गाना रिकॉर्डिंग करवाने के लिए तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में आपको सॉन्ग से जुड़ी हर एक जानकारी दी जाएगी और एक सच्चाई बता देता हूँ आपको जो कि कोई भी नहीं बताएगा। इतने दूर में जितने भी स्टूडियो है सभी को पीछे छोड़ दिया है। केवल 6 महीने में मिलियन में व्यूज़ जा रहे हैं। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है तो आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा स्टूडियो पहुंचने के बाद। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं किशनपुर पहुंच चुका हूं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. तो दोस्तों मुझे लोकेशन पता नहीं था तो अभी भी मैंने स्टूडियो में कॉल करके पूछा तो लोकेशन जो है इसी रोड में है, हाई स्कूल के सामने है। तो बने रहिए वीडियो में। तो आप देख ही सकते हैं सामने हाई स्कूल है, इसके पास में ही स्टूडियो है। तो आपको स्टूडियो लेके चलता हूँ मैं और वहाँ आपको दिखाता हूँ कैसा। तो ये है श्री शिव रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अभी आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ पूरा सेटअप। तो आप देख ही सकते हैं हम पहुंच चुके हैं स्टूडियो और अभी अंदर रिकॉर्डिंग का काम चल रहा है। ये है श्री शिव रिकॉर्डिंग स्टूडियो। और एक बात बता देता हूं आपको, इस स्टूडियो की ओपनिंग में धर्मेंद्र भैया भी आए थे और उनका एक गाना भी रिलीज हो चुका है यहां से जो कि मिलियन में व्यू पहुँचने वाले हैं। तो अभी आपको अंदर ले कर चलता हूँ, मिलाता हूँ सबसे क्या क्या स्टूडियो का सीन है। तो अभी बने रहिए वीडियो में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं आ गया हूँ श्री शिव रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जो कि किशनपुर में है और अभी अंदर जाते हैं आपको दिखाता हूँ मैं। अभी यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रहा है जो हमारे डायरेक्टर भैया जो है। भैया आपका नाम क्या है बताना? जी अरविंद आनंद। और ये देख रहे हैं भैया आपका नाम? पवन राजा। भैया आपका? मिथिलेश। और इनको ये तो ये भी एक सिंगर ही है जिसे आप नहीं जानते होंगे शायद, मैं पूछता हूँ सर आपका नाम क्या है? बरहम बेतरदी। तो अभी आप पूरा स्टूडियो देख ही सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत भाइयों का यहाँ से रिकॉर्डिंग हुआ है। हमारे धर्मेंद्र भैया जी भी आए थे यहाँ पर। अंदर का सीन दिखा दूँ मैं आपको तो आप देख ही सकते हैं अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मतलब बाहर की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती इसको बंद करने के बाद। आप देख सकते हैं आपको यहाँ रिकॉर्डिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप देख सकते हैं किस तरह से जो है। तो ये जो आप देख रहे हैं हमारे सामने खड़े हैं ये एक माइक है और इसकी आवाज़ क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छी आवाज़ को रिकॉर्डिंग करता है। बहुत सारे स्टूडियो में यही माइक लगे होते हैं और ये आपकी जो खड़ास जितने भी होते हैं मतलब फालतू वालतू आवाज़ उनको कैच नहीं करता है, बस आपकी वोकल को कैच करता है। और आपको स्टूडियो दिखाता हूँ, ये हमारे डायरेक्टर साहब अरविंद भाई जी है और ये बहुत ही अच्छे से सॉन्ग को रिकॉर्डिंग एंड मिक्सिंग करते हैं। तो भैया के लिए एक लाइक तो बनता ही है और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई प्लीज़, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए।